नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN24। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों ही इशारों में भ्रष्टाचार और ईडी की कार्यवाही को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि ईडी पहले ये बताए कि सीएम साहब कौन है, सीएम मैडम कौन है। सीएम ने कहा कि मैं ईडी और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता का 6,000 करोड़ रुपए लूटकर भागने वाली चिटफंड कंपनी को खोजें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनी की आड़ में मनी लॉन्ड्री हुई है। डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे चिटफंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। दोनों ने कंपनी का खूब प्रचार किया। भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या इस जाँच के लिए रमन सिंह तैयार है। सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो चिटफंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ पैसा, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिटफंड कंपनी लूट के ले गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग थे, खूब प्रचार के मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूं, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि आम जनता का 6,000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति से हम लोग खोज लिए, खोज रहे हैं, तो अभी तक के 40 करोड़ रुपये ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। लेकिन आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो 6,000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो उसमें फिर ईडी को इसमें इसको जांच में लेके उसमें कार्रवाई करना। क्या रमन सिंह जी इसके लिए तैयार हैं?